एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचाज मैनर। दोस्तों, ज्यादातर तो मैं आप सबके साथ रेसिपीज ही शेयर करती हूँ, बट जैसे कि आप सभी को पता है कि जब भी मैं कोई ऑनलाइन चीज परचेज करती हूँ तो उसका रिव्यू मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिव्यू देखना होता है कुछ भी चीज परचेज करने से पहले कि वो प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ है। तो आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ एक क्विल्ट कवर की, और ये क्विल्ट कवर मैंने परचेज किया है अमेजोन से। इसका जो पैकेजिंग थी वो कुछ जो नॉर्मली आपके क्विल्ट वगैरह कवर्स आते हैं ना, जिसमें चेन वगैरह लगी रहती है, उस टाइप के कवर में पैक होकर आया था, पर चूंकि वो थोड़ा फट गया था तो मैंने उसको फेंक दिया, मैं नहीं रख पाई आपको दिखाने के लिए। सो मैंने जो क्विल्ट कवर ऑर्डर किया है वो है मिल फर्निशिंग से, ये सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड जो है रजाई कवर के नाम से मिलता है। तो मैंने यहाँ पर ये वाला क्विल्ट कवर ऑर्डर किया है जिसमें बनाना लीव्स बनी हुई है। इसमें दो शेड्स आते हैं, एक ये क्रीम कलर पर है और दूसरा आपको एक डार्कर शेड में मिल जाएगा, आई थिंक डार्क ग्रीन कलर में है। तो ये होगा एंड इसका प्रिंट आप इस तरीके से देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा ये रजाई का कवर है। मैंने अपनी रजाई से इसको ऊपर से माप कर देखा, अभी मैंने इसको कवर चढ़ाया तो नहीं है बट मैंने माप कर देखा है, तो एक साइड से ये मुझे इतना बड़ा ही होकर आ रहा है, यानी आपका रजाई कितना भी बड़ा होगा ये आसानी से उस पर आ जाएगा। एंड इसके फैब्रिक की बात अगर कर लें तो ये उसमें मेंशन किया हुआ है कॉटन ब्लेंड है, तो ये प्योर कॉटन नहीं है, बट आप इसको क्लोजअप में देख सकते हैं, ये इस टाइप से इसका कवर है, सॉफ्ट इसका फैब्रिक है। जो एक जो है लेडीज के जो वुलन फैब्रिक आता था सूट बनाने के लिए, स्पन फैब्रिक आता था अगर आपको पता होगा, तो आई थिंक ये स्पन फैब्रिक है जो काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड थोड़ा वार्म भी करता है जो है विंटर्स में, तो बहुत ही अच्छा है। अगर प्योर कॉटन होता तो आई थिंक ये थोड़ा सा पतला होता, बट इसकी जो थिकनेस है वो काफी अच्छी है, प्रिंट भी बहुत ज्यादा अच्छा आया है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो है एक क्रीम या ऑफ व्हाइट आप कलर कह सकते हो, उसके ऊपर ब्लू पिंक एंड इस तरीके के मस्टर्ड कलर से, ये ब्राउन सा कलर है, ये इससे डिजाइनिंग करी हुई है। इसमें आपको दोनों साइड में सेम प्रिंट मिल जाएगा, इधर भी ऐसा ही है और जो है दूसरे साइड में भी वैसा ही है। एंड इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि जो इसकी जिप लगी हुई है वो इस तरीके से बीच में लगी हुई है, ये इसके जो है साइड्स हैं, तो ये बीच में आप देखोगे कि इस सेंटर पर यहां पर जिप लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि फुल रजाई में जो है ये दे रखी है जो जिप है, साइड्स में सिर्फ इतना पार्ट छोड़कर और बीच में पूरे में जिप दे रखी है, ये है और ये पूरी जिप है यहां पर। तो जब भी आप इस पर रजाई चढ़ाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है, कई बार जो जिप होती है वो काफी बीच में छोटे एरिया में दी हुई होती है, जिससे कि जब आप उसमें रजाई इंसर्ट करते हो तो बहुत प्रॉब्लम आती है उसको स्प्रेड करने में, बट इसमें काफी दूर तक दे रखी है, सिर्फ साइड में करीब इतना एक एक फिट का जो मार्जिन देकर और बीच में पूरे में जिप लगा रखी है। तो कपड़ा वगैरह मैंने आपको इसका बता दिया है, अभी तो मुझे प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और मैं इसे खुश हूं। इसका जो प्राइस है वो 795 रुपीज है जो मुझे मिला है, तो आई थिंक इससे जो है कम रेंज में आपको अपने लोकल मार्केट में भी कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है क्विल्ट कवर, वो भी डबल बेड का क्विल्ट कवर है ये। आसानी से आप इसे अपने ब्लैंकेट के ऊपर या फिर अपने जो दोहर आती है एसी वगैरह में यूज करने के लिए उसके ऊपर, या फिर क्विल्ट के ऊपर, रजाई के ऊपर, कैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसको मैं जो है अपनी रजाई के ऊपर चढ़ाकर भी आपको दिखाती हूं कि इसका लुक कैसा आता है, अभी तो मुझे पसंद आ रहा है। रहा है तो अगर चाहे तो इसको मोड़ा जा सकता है अंदर की तरफ या फिर इस तरीके से छोड़ दें, छोटा नहीं पड़ रहा है ये अच्छी बात है, थोड़ा सा बड़े ही साइज में हो तो बेटर रहता है। वैसे हो सकता है रजाई में सबकी थोड़ा बहुत फर्क होता है साइज में, तो ये यहां से बिल्कुल सही आ रहा है,
और रजाई मेरी यहां तक आ रही है और इतना फैब्रिक इसमें करीब बच रहा है, बड़ा है इसमें। आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप चाहें तो ये वाले क्विल्ट कवर्स परचेज कर सकते हैं और इसमें कई सारे कलर और डिजाइन आपको और भी मिल जाएंगे। इसको मैंने एक बार वॉश कर लिया है क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो कोविड का टाइम चल रहा है, तो कुछ भी नया प्रोडक्ट आता है तो हम लोग उसको बिना वॉश के इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसको क्विल्ट पर चढ़ाने से पहले एक बार मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के टाइम में किसी तरीके का कलर फेड या फिर कुछ और प्रॉब्लम मुझे फैब्रिक में नहीं आई है। इसकी जिप वगैरह भी बहुत अच्छी है, एकदम स्मूथली चल रही है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है एक वॉश करने के बाद। अब इतनी जल्दी जल्दी तो जो क्विल्ट कवर्स होते हैं वो नहीं वॉश किए जाते हैं, बट हाँ जो है टाइम के साथ इस्तेमाल करने पर समझ में आएगा कि कैसा निकल रहा है ये प्रोडक्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी एंड ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।